हेलो दोस्तों, हमारी त्वचा की तरह पेनिस पर भी रेस हुए दाने हो सकते हैं। जो पुरुष सेक्स एक्टिव नहीं है या जो सेक्स के दौरान कुंडम पहनते हैं, उनके पेनिस पर होने वाले दाने हो सकते हैं आमतौर पर ये दाने तेल या पसीने की वजह से होते हैं। वहीं जो पुरुष कुंडम नहीं पहनते, जिनके एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर हैं, वह उनके पेनिस पर होने वाले दाने सेक्स ट्रांसमीटर डिजीज की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं ये दाने कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पेनिस लम्प्स इन हिंदी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नंबर एक, किन एक ने जब पेनिस पर एक ने होते हैं, एक ने का मतलब जो दाने होते हैं, जो परिणाम स्वरूप पेनिस पर वाइट एक्ट्रेस या लाल धब्बे होते हैं, पिंपल्स दिखने लगते हैं, जो तेल की वजह से ये सफ़ेद रंग के नज़र आते हैं, उन्हें हम एकने कहते हैं। ये दोस्तों, ये पेनिस पर एकने होते हैं, जो परिणाम स्वरूप पेनिस पर वाइट तरह के पिंपल्स दिखने लगते हैं। जैसे हमारे त्वचा पर होते हैं, वैसे हमारे पेनिस पर भी हो सकते हैं, इनको हम एकने कहते हैं। दूसरा, पर्ली पेनाइट पिंपल्स, ये दाने सिरे पर होते हैं, जो सफेद या पीले रंग के गुबंद की तरह दिखते हैं, ये स्किन में स्ट्रक्चर से मिलते होते हैं। दोस्तों, पर्ली पेनाइट पिंपल्स ये दाने सिरे पर सफेद या पीले रंग के होते हैं, जो हमारे त्वचा पर दिखने लगते हैं। इसके अंदर बहुत ही जलन होती है, जो हमारे त्वचा को बहुत ही ठेस पहुँचाते हैं। एक त्वचा की तरह पेनिस पर भी रेस हुए दाने हो सकते हैं। हमारे पेनिस की त्वचा बहुत ही मुलायम होती है, जो हमें बहुत सावधानी से इसको रखना पड़ता है। पुरुष सेक्स के एक्टिव नहीं है, ये जो पुरुष सेक्स के दौरान कुंडम पहनते हैं या नहीं पहनते, उनको खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि पेनिस की रखवाल कैसी करें।